अब बस कुछ ही दिनों में दशहरा का फेस्टिवल आने ही वाला है और दशहरा के लाइट शो को देखने के लिए मैसूर पैलेस से अच्छे और क्या ही जगह हो सकती है। और इसीलिए अक्टूबर की सीजन में मैसूर में टूरिस्ट की संख्या और होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की डिमांड्स तेजी से बढ़ने लगती है। सो अगर आप भी इस दशहरा मैसूर विजिट करने वाले हो और यहाँ के बेस्ट होटल के बेस्ट डील को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So hello guys, this is Sumi and welcome back to our channel Deep Sumi Blogs, where you can find anything and everything related to tours and travels. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसूर के टॉप 10 होटल्स एंड रिजॉर्ट के बारे में, जहां हमने सारे होटल्स को अंडर 1000 रुपीज से लेके 5000 रुपीज के प्राइस रेंज में सिलेक्ट किया है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, हमने ये लिस्ट करंट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है। सो टाइम्स एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग होटल्स के प्राइस थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। एंड हमने ऑलरेडी हमारे वीडियो में होटल्स के स्क्रीनशॉट मेंशन किया हुआ है, जहां से आप डेट एंड प्राइस को चेक कर सकते हो। Having said that, let's quickly begin our today's video. So guys, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप मैसूर में एक बेस्ट बजट होटल में स्टे करना चाहते हो तो आप कल्याणी होटल में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको अंडर 1000 रुपीज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 1191 रुपीज देखने को मिल सकता है, बट डिस्काउंट के साथ इस होटल में आपको अंडर 1000 रुपीज में ही रूम मिल जाएगी। ये होटल मैसूर के रिंग रोड में लोकेटेड है, जहाँ से मैसूर के KSRTC बस स्टैंड का डिस्टेंस 9 किलोमीटर और मैसूर पैलेस का डिस्टेंस 9.3 किलोमीटर है। अब बात करें यहाँ के कंडीशन की, तो यहाँ आपको रूम काफी स्पेसियस एंड फुल नीट एंड क्लीन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारा नॉर्मल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही यहाँ आपको बहुत बड़ा एंड बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ आउटडोर एरिया भी मिल जाता है, जहाँ आपको सिटिंग एरिया एंड बार जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। इस होटल में रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है और यहाँ अनमेड कपल्स एंड आउटसाइड फूड भी अलाउड है, बट नो एंट्री फॉर पेट्स। अब अगर आप मैसूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से विजिट कर रहे हो तो आपके लिए सुहासिनी पैलेस होटल बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये होटल मैसूर बस स्टैंड से सिर्फ 1.8 किलोमीटर दूर सायाजी रोड में लोकेटेड है एंड यहाँ से मैसूर पैलेस का डिस्टेंस भी सिर्फ 2.4 किलोमीटर है। अब अगर प्राइस की बात करें तो ये होटल आपको अंडर 1000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम यहाँ आपको रूम का प्राइस 1091 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। रही बात इस होटल की कंडीशन की, तो यहाँ आपको रूम काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे नॉर्मल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ के आउटडोर एरिया में आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया, इंडोर गेम हाउस एंड कॉफ़ी शॉप जैसे फैसिलिटी भी मिल जाता है। इस होटल में रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है और यहाँ आउटसाइड फूड एंड अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट इस होटल में पेट्स अलाउड नहीं है। अब अगर आप मैसूर बाय ट्रेन विजिट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मयूरा होयसाला होटल में अपना स्टे के लिए रूम बुक कर सकते हो, क्योंकि ये होटल मैसूर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 350 मीटर दूर JLB रोड में लोकेटेड है और यहाँ से मैसूर पैलेस का डिस्टेंस भी सिर्फ 2.2 किलोमीटर है। ये होटल आपको 1000 to 2000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम यहाँ आपको रूम का प्राइस 1790 रुपीज देखने को मिल जाएगा। रही बात इस होटल की कंडीशन की, तो यहाँ आपको रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिलेगा, जहाँ आपको सारे नॉर्मल फैसिलिटी के साथ साथ बाथरूम में बाथटब जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ के आउटडोर एरिया भी आपको बहुत ही बड़ा एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया एंड बार जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट पार्किंग भी अवेलेबल है, बट इस होटल में आउटसाइड फूड पेट्स एंड अनमेड कपल्स अलाउड नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 1000 to 2000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मैसूर में होटल या होम स्टे नहीं बल्कि रिजॉर्ट बुक कर सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? सो यस गाइस, न्यू सारेदा रिजॉर्ट में आप सिर्फ 1729 रुपीज़ में रूम बुक कर सकते हो। ये रिजॉर्ट मैसूर के मेन सिटी से थोड़ी दूर KRS रोड में लोकेटेड है, जहाँ से रंगनाथ हिट्टू बर्ड सेंचुरी 7 किलोमीटर एंड वृंदावन गार्डन 9.6 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। अब अगर इस रिजॉर्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ आपको रूम केव थीम्स के मिल जाएंगे, जो कि इस रिजॉर्ट को और भी खास बनाती है। एंड इस रिजॉर्ट में नॉर्मल रूम भी अवेलेबल है, जहाँ आपको नॉर्मल फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ के आउटडोर्स में आपको ब्यूटीफुल सा गार्डन भी मिल जाएगा, जहाँ आपको स्विमिंग पूल, किड्स के लिए प्ले एरिया, आउटडोर गेम्स, जिम एंड शाम के वक्त बॉनफायर जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट में पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेरिड कपल्स हो तो आप इस रिजॉर्ट को बुक कर सकते हो।
अब अगर आप मैसूर में 2000 टू 3000 रुपीज के प्राइस रेंज में एक ब्यूटीफुल सा होटल में स्टे करना चाहते हो विद ऑल लग्जरी फैसिलिटीज, तो रूपा एलीट होटल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ दिस टाइम इस होटल का प्राइस आपको 2788 रुपीज देखने को मिल जाएगा। अब अगर इस होटल की लोकेशन की बात करें तो ये होटल मैसूर के 6th मेन रोड में लोकेटेड है, जहां से श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल का डिस्टेंस 750 मीटर्स और मैसूर पैलेस का डिस्टेंस 4.6 किलोमीटर्स है। रही बात इस होटल की कंडीशन की, तो यहाँ आपको रूम काफ़ी स्पेसियस एंड वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही इस होटल का आउटडोर एरिया भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको खूबसूरत सा ओपन डाइनिंग एरिया, किड्स के लिए प्ले एरिया, स्विमिंग पूल एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट पार्किंग भी अवेलेबल है, बट इस होटल में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेरिड कपल्स हो तो आप भी इस होटल को बुक कर सकते हो। अब अगर आप मैसूर में एक बेस्ट लोकेशन में होटल बुक करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मयूरा कावेरी होटल में अपना रूम बुक कर सकते हो, क्योंकि ये होटल मैसूर के बहुत ही फेमस कृष्णा राजा सागर डैम में लोकेटेड है, जहां से आपको मैसूर के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस लाइक वृंदावन गार्डन, यदामुरी फॉल्स एंड कृष्णा राज सागर डैम पार्क काफ़ी नज़दीकी देखने को मिल जाएगा। अब अगर प्राइस की बात करें तो ये होटल आपको 2000 टू 3000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। और अगर आप रिसेंटली ही यहाँ रूम बुक करना चाहते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 2428 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। रही बात इस होटल की, तो ये होटल KSTDC द्वारा मेंटेन किया जाता है एंड ये एक 3-स्टार होटल भी है। इस होटल में आपको रूम्स बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सभी नॉर्मल फैसिलिटी के साथ साथ एक छोटा सा गार्डन व्यू बैल्कनी भी मिल जाता है। अब अगर आउटडोर्स की बात करें तो यहां आपको बहुत बड़ा एंड वेल मेंटेन गार्डन्स देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सिटिंग एरिया, किड्स के लिए प्ले एरिया एंड शाम के वक्त खूबसूरत नज़ारों के साथ बॉनफायर जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, बट इस होटल में आउटसाइड फूड, पेट्स एंड अनमेड कपल्स अलाउड नहीं है। सो गाइज, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप मैसूर में एक लग्जरी रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हो तो आप जल महल रिजॉर्ट में अपना स्टे कर सकते हो, जो कि आपको 3000 टू 4000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 3478 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट मैसूर के मलावली मैसूर रोड में लोकेटेड है, जहाँ से बरुणा वोटिंग पॉइंट 5.4 किलोमीटर एंड मैसूर पैलेस 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। अब अगर इस रिजॉर्ट की बात करें तो ये एक लग्जरी रिजॉर्ट होने की वजह से यहाँ आपको रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर सराउंडिंग एरिया की बात करें तो यहाँ आपको गार्डन्स वेल मेंटेन एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको खूबसूरत सा सिटिंग एरिया, किड्स के लिए प्ले एरिया, आउटडोर स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल, स्पा ट्रीटमेंट एंड बार जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट पार्किंग भी अवेलेबल है और यहाँ अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। हमारे लिस्ट के नंबर 3 में आता है मैसूर के काफी पॉपुलर रिजॉर्ट वृंदावन गार्डन रिजॉर्ट, जो कि आपको 3000 टू 4000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 3683 रुपीज देखने को मिल जाएगा। अब अगर लोकेशन की बात करें तो ये रिजॉर्ट मैसूर के KRS रोड में लोकेटेड है, जहां से वृंदावन गार्डन सिर्फ 17 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में स्थित है। अब अगर इस रिजॉर्ट की बात करें तो यहां आपको रूम काफी स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहां के आउटडोर एरिया भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिलेगा, जहां आपको ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया, ओपन डाइनिंग एरिया, स्विमिंग पूल, किड्स के लिए प्ले एरिया एंड लाइब्रेरी जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहां पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, बट इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेरिड कपल्स हो तो आप इस रिजॉर्ट को बुक कर सकते हो। अब अगर आप मैसूर में एक बेस्ट लग्जरी होटल में स्टे करना चाहते हो तो आप मैसूर के बहुत ही फेमस संदेश द प्रिंस होटल में अपना स्टे के लिए रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 4000 टू 5000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। आप इस टाइम इस होटल को बुक करना चाहते हो तो आपको यहाँ रूम का प्राइस 4907 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये होटल मैसूर के नजरबाद मेन रोड में लोकेटेड है, जहाँ से मैसूर पैलेस का डिस्टेंस सिर्फ 2.4 किलोमीटर एंड फिलोमिनास कैथेड्रल चर्च का डिस्टेंस 1.6 किलोमीटर है। अब अगर यहाँ के कंडीशन की बात करें तो यहाँ आपको
रूम काफ़ी स्पेसियस एंड वेल मेंटेन्ड देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ बाथरूम में बाथटब जैसे फैसिलिटी भी मिल जाएगी। रही बात आउटडोर्स एरिया की, तो इस होटल के आउटडोर्स एरिया भी आपको बहुत ही बड़ा एंड ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहां आपको सिटिंग एरिया, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम हाउस, किड्स के लिए प्ले एरिया, बार, जिम, पब एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे सारी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, जहाँ आपको फ्री ब्रेकफास्ट भी ऑफर किया जाता है। एंड इस होटल में अनमेड कपल्स एंड आउटसाइड फूड भी अलाउड है, बट नो एंट्री फॉर पेट्स। हमारे लिस्ट के लास्ट नंबर वन में आता है मैसूर के बहुत ही फेमस होटल लरुची द प्रिंस होटल, जो कि आपको 4000 टू 5000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहाँ आपको रूम का प्राइस 4349 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये होटल मैसूर के हुंसूर रोड में स्थित है, जहाँ से मैसूर पैलेस का डिस्टेंस 6.3 किलोमीटर है। तो अगर आप भी अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो विद ऑल लग्जरी फैसिलिटीज, तो ये होटल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब अगर इस होटल की बात करें तो ये एक लग्जरी होटल होने के कारण यहाँ आपको रूम में सारे लग्जरी फैसिलिटी के साथ साथ एक ब्यूटीफुल सा बैल्कनी भी मिल जाता है, जहाँ से आप खूबसूरत नज़ारों का व्यू ले सकते हो। अब सराउंडिंग एरिया और एम्बियंस की बात करें तो यहाँ आपको गार्डन्स वेल मेंटेन एंड ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको किड्स के लिए प्ले एरिया, सिटिंग एरिया, स्विमिंग पूल, बार, स्पा ट्रीटमेंट, जिम एंड ज्वेलरी शॉप जैसे सारे लग्जरी फैसिलिटी मिल जाएगा। साथ ही यहाँ आपको फ्री रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन ड्रॉप जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है और यहाँ अनमेड कपल्स भी अलाउड है, बट इस होटल में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। सो आई होप आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।